हेलो एवरीवन, नीलूज होम किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो या शाम को चाय के साथ आप कुछ खाने का मन हो बना सकते हैं, जिसका नाम है ननबरिया। इसे हमारे यहाँ ननबरिया कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा। तो इसे आप ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और अब इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब इनको हम अच्छे से आटे के साथ मिला लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा बैटर बना करके तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से हम मिलाते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। देखिए इस तरह से, और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए बैटर और ना ही ज़्यादा पतला। अब इसमें जो है हम 2 महीन कटे हुए प्याज डाल देंगे, 2 महीन कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। अब अच्छे से हमें तेल को गरम कर लेना है और इसमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके हमें बैटर को डालना है। इस समय हमें अब आंच को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें तल लेना है। और एक बार में आप उतनी ही पकौड़ियाँ डालें जितनी आसानी से आ सके। जब इस तरह जो है पकौड़ियाँ ऊपर फ्लोट करने लगें तब जो है आप इसको हल्के से पलट दीजिए और इसी तरह अलटते पलटते हुए हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ये देखिए, धीरे धीरे ननबरिया पर हल्का गोल्डन कलर आने लगा है। तो यानी हमारी ननबरिया बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम जो हमारा बचा हुआ बैटर है उसकी भी ननबरिया बना लेते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए लीजिए, हमारी कुरकुरी ननबरिया बनकर तैयार हैं। ये बाहर से जितनी ही क्रिस्पी होती हैं अंदर से उतनी ही मुलायम रहती हैं और जो है ये आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो ज़रूर इसको बना करके एंजॉय कीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बाहर से कितनी ही क्रिस्पी होती हैं। इसकी आवाज़ को सुनिएगा, दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो एंजॉय कीजिए ये कुरकुरी ननबरिया और रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंजॉय, थैंक यू।